Good morning, all of you. Today we are going to start our chapter number 2, which is Principles of Management. Principles of Management chapter start करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि principle होता क्या है. A principle is a fundamental statement of truth that provide guidance to thought and action. प्रिंसिपल क्या है? एक कोई भी रूल जो आपके बिहेवियर को बताता है कि आपका बिहेवियर अच्छा है. जनरल लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल क्या है, जैसे अगर हम कहें कि झूठ बोलना बुरी बात है, तो ये एक रूल हो गया आपके बिहेवियर को जज करने का कि अगर आप सच बोलते हो तो आपका बिहेवियर अच्छा है, लेकिन अगर आप झूठ बोलते हो तो आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है. इसी तरह से प्रिंसिपल होता है, जैसे इसमें हमने कहा है फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ. फंडामेंटल स्टेटमेंट है मतलब हर जगह एप्लीकेबल होगी, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. जैसे झूठ बोलना बुरी बात है, तो ये हम सबको पता है कि हाँ, अगर जो भी कोई झूठ बोलता है तो वो गलत बात होती है. तो फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ है दैट प्रोवाइड गाइडेंस टू थॉट एंड एक्शन, कि जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती है, वो स्टेटमेंट जो आपको दे रखी है, वो आपको गाइडेंस देगी कि आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. हो सकता है जब आपको पता है कि झूठ बोलना बुरी बात है, तो आप झूठ बोलने से पहले दो बार सोचोगे कि क्या मैं झूठ बोलूं या नहीं बोलूं. आपकी थॉट को गाइड कर रही है कि क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आपके एक्शन को भी गाइड करती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. तो प्रिंसिपल क्या है? फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ है, ऐसा ट्रुथ जो हर जगह एप्लीकेबल होगा, जो आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि क्या चीज सही है और क्या गलत है, वो होता है प्रिंसिपल. क्या होता है? उसी तरह से है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. जब भी आप मैनेजमेंट कर रहे हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहे हो, कोई भी डिसीजन ले रहे हो, तो उस टाइम पर जो आपको गाइड करेगा वो आपके हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. Principles of management are broad and general guidelines for managerial decision making and behavior. जिसके बेसिस पर आप decision making करोगे, जिन statements के बेसिस पर आप decision लोगे, और जिन statement के बेसिस पर आपके behavior को judge किया जाएगा, वो हैं आपके principles of management. तो ये आपको नेक्स्ट टॉपिक है, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरह के होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. नंबर वन है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या है? कि ये पूरे के पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल होते हैं. मतलब आप किसी भी देश के कोने में, किसी भी दुनिया के कोने में चले जाओ, वहां पर जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं सेम ही मिलेंगे. तो जो ये स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं, ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल होती हैं, हर जगह एप्लीकेबल होती हैं. नेक्स्ट है जनरल गाइडलाइंस. ये कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो आपको गाइड करती हैं कि आपका बिहेवियर किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से आपको अपने बिहेवियर को डायरेक्ट करना है, उन सब के बारे में आपको गाइड करती हैं. नेक्स्ट है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. जो भी ये प्रिंसिपल्स बनते हैं, ये प्रैक्टिस के साथ साथ या फिर एक्सपेरिमेंट्स आप कर करके देखते हो. जैसे साइंटिस्ट हैं, साइंस के रूल्स बने हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड हैं, उसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो भी प्रैक्टिस के साथ साथ, जैसे कोई पर्सन है जिसने अपनी लाइफ के 25 साल अगर मैनेजमेंट में लगा दिए, तो वो अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से क्या कहता है कि क्या करना सही है या क्या गलत है, या नए नए एक्सपेरिमेंट्स करता है उसके बेसिस पर आपको बताता है कि क्या आपको करना चाहिए किसी सिचुएशन में और क्या नहीं करना चाहिए. तो वो आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं. नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल. ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, रिजिड नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपको इसको उसी वे में यूज करना है जिस वे में पहले यूज किया गया था. फ्लेक्सिबल होते हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वहां के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आप उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगाते हो, उसी तरह से आप उसको यूज करोगे. नेक्स्ट है मेनली बिहेवियर. जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो फोकस जो इसका मेन है, वो बिहेवियर पर फोकस करते हैं कि किसी भी पर्सन का, किसी भी एम्प्लॉई का, किसी भी मैनेजमेंट के पर्सन का बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए, किस सिचुएशन में उसको किस तरह का डिसीजन लेना चाहिए, उस सब से रिलेटेड होता है. नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप
आपको बताता है कि क्या कोज है और उसका क्या इफेक्ट आएगा। भाई ऐसा करेंगे तो कैसा रिजल्ट आएगा, अगर हम इस चीज को फॉलो करते हैं तो कैसा रिजल्ट आएगा, अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमें पता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा बैड ही होते हैं। तो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं कि अगर आप कुछ इस तरह का डिसीजन लोगे तो उसके जो रिजल्ट आएंगे वो इस तरह के आएंगे। लास्ट है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का क्या मतलब है कि जब भी आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूज करोगे तो आप उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन के बेसिस पर, उसके एनवायरनमेंट के बेसिस पर ही यूज करोगे। हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने उस प्रिंसिपल को यूज करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट उसके अकॉर्डिंग नहीं था और आपने वो प्रिंसिपल्स यूज करके आपको उसका कोई बेनिफिशियल रिजल्ट नहीं मिला। तो आप जब भी इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूज करते हो उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर, या फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके बेसिस पर मॉडिफाई करके तभी आप उसको यूज करेंगे। सारे के सारे अगर सेम तरीके से किसी चीज को यूज करते हैं तो जरूरी नहीं है कि सबके लिए रिजल्ट सेम ही हो। नेक्स्ट वी हैव इज सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अगर आप यूज करते हैं तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। नंबर वन है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी। मैनेजर्स को प्रोवाइड, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स को प्रोवाइड करते हैं इनसाइट, यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी, जो वो सोच रहे हैं उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको गाइड करते हैं कि आपको किस तरह के डिसीजन लेने चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प से हम राइट डिसीजंस ले पाते हैं राइट टाइम पर, जिससे आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है, अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती है सिचुएशंस को समझने की, जो आपके पास एनवायरमेंट है उस सब को समझने की। तो जो भी आपने सोचा है, जो आपकी इंसाइट है, जो आप देखते हो फ्यूचर में आप क्या चाहते हो, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने में आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को आप यूज करते हो तो आप जो भी आपके बिजनेस की डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उनको कोऑर्डिनेट इजीली कर सकते हो, जिससे आपकी जो रिसोर्सेज हैं आप उसको अच्छे से यूज कर पाओगे। और साथ में इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप जो भी, आप उन सब चीजों को संभाल रहे हो, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको मैन पावर संभालनी है या फिर फाइनेंस संभालना है, उनके ऊपर आप एक अच्छे से नजर रख पाते हो और उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल रख पाते हो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की वजह से। नेक्स्ट है साइंटिफिक डिसीजन। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बेस पर जब भी आप डिसीजन लेंगे वो प्रैक्टिस के ऊपर, एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। तो ऐसे ही कोई डिसीजन नहीं है कि बिना सोचे समझे आपने कोई डिसीजन ले लिया। आपके जो डिसीजन है वो साइंटिफिकली अप्रूव्ड है। आपका जो उसका रिजल्ट मिलेगा, चांसेस प्रोबेबिलिटी यही है कि उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे ही मिलेंगे। नेक्स्ट है मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। इससे आप क्या कर सकते हो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने जैसे पढ़ा कि ये आपके फ्लेक्सिबल होते हैं, आप इसको फ्लेक्सिबल भी हैं, कंटिंजेंट भी है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। तो जैसे जैसे एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, हम भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में चेंज करके इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ताकि हमको उसके जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो और भी बेटर मिले। नेक्स्ट है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के ऊपर फोकस नहीं करती, बल्कि आपको हेल्प करती है आपके जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने में। जैसे कोई भी एक एम्प्लॉई है वो क्या चाहता है कि उसे एक फेयर रेमुनरेशन मिले या फिर उसको इक्वली ट्रीट किया जाए। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आगे हम पढ़ेंगे कि उनके ऊपर भी आपको कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो करने चाहिए। लास्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको वो एरियाज फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं जहां पर एम्प्लॉयज को रिक्वायरमेंट होती है ट्रेनिंग की, या उनको उन एरियाज में एजुकेशन देनी चाहिए, या फिर अगर हमारे पास किसी भी कोई सिचुएशन ऐसी है जिसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है अभी तक, तो उसके ऊपर हम रिसर्च कर सके इन फ्यूचर, ताकि हमको उसके बेटर रिजल्ट्स मिल सके, हमको पता चल सके कि हमको ऐसे सिचुएशन में किस तरह से डिसीजन लेना चाहिए। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको ट्रेनिंग एरियाज फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं, किन एरियाज में एजुकेशन प्रोवाइड करनी है ये हेल्प करते हैं, और कौन से एरियाज ऐसे हैं जिसके ऊपर रिसर्च होनी है वो एरियाज भी आपको हेल्प करते, फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट।
अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हमें दिए हैं हेनरी फ्योल ने। हेनरी फ्योल सबसे पहले उसके प्रिंसिपल स्टार्ट करने से पहले हम उसके बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं। हेनरी फ्योल, उसका बर्थ हुआ था 1841 में और उसने माइनिंग इंजीनियरिंग करके 1860 के अंदर एक फ्रेंच माइनिंग कंपनी को ज्वाइन कर लिया। वहां पर उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर और इतना अच्छा काम किया कि 1888 तक वो एक मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर पहुंच गया था। उसके बाद कंपनी के ऊपर एक ऐसी सिचुएशन आई, एक ऐसा चैलेंज आया कि कंपनी बिल्कुल बैंकरप्टसी की कगार पर थी, डूबने वाली थी। तो उस टाइम पर हेनरी फ्योल ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और कंपनी का फॉर्चून ही बदल दिया। मतलब कंपनी को जहां पर वो डूबने वाली थी उसको, कंपनी को बहुत ऊपर ले गया वो अपने डिसीजंस के बेसिस पर। इसीलिए उसको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं उसमें नंबर वन है डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फ्योल क्या कहते हैं कि आप वर्क को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कोई भी काम है आप उसको क्या करो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और हर एक वो जो छोटा पार्ट जो भी उस काम को करने में स्पेशलिस्ट है उसको असाइन कर दो। जब वो उस काम को करेगा तो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, स्पेशलाइजेशन आ जाएगी उसका काम करने के अंदर, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि उसे पता है कि उसे क्या काम करना है, तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। साथ में अगर उसे पता है कि उसे उसका काम किस तरह से करना है तो वेस्टेज भी कम हो जाएगी। तो ये हेनरी फ्योल ने एक प्रिंसिपल दिया था डिवीजन ऑफ वर्क। अब अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हो तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि आपको बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी एम्प्लॉयज की, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी और वेस्टेज भी कम हो जाएगी। और वहीं अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो वही इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएंगे कि कोई स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाएगा किसी काम के अंदर, प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ेगा, वेस्टेज बहुत ज्यादा होगी। तो ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएंगे डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो ना करने के। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो हमें हेनरी फ्योल ने दिया वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सबको पता है कि जब कोई आपको कोई काम करने के लिए देता है और आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप टाइम पर उस काम को कंप्लीट कर दोगे तो वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी है पावर टू टेक डिसीजन, कि उस काम को करने के लिए अगर इन केस आपको कोई डिसीजन लेना पड़ता है तो आपके पास वो डिसीजन लेने की पावर है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो अगर आपको क्लास दे दी संभालने के लिए कि क्लास के अंदर से शोर नहीं आना चाहिए, तो ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि क्लास के अंदर कोई भी शोर करेगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? आप होगे। अब अथॉरिटी देना क्या है कि इन केस अगर कोई बच्चा आवाज करता है तो आप उसे किसके पास भेज सकते हैं? आप उसे क्लास से बाहर भेज दीजिए, या फिर अगर कोई बच्चा शोर करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसे मेरे पास ले आइए। तो ये आपको मैंने साथ में क्या दे दी? अथॉरिटी दे दी। तो जब भी हम किसी एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसके साथ हमें उसे अथॉरिटी देना जरूरी है, तभी वो उस काम को कंप्लीट करने या ना करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर उसके पास प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है कि वो कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता, अगर कोई बच्चा बोल रहा है तो आप अगर उसके ऊपर कोई एक्शन ले ही नहीं सकते तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होगे कि अगर उस क्लास में शोर हो रहा है तो। तो जब हेनरी फ्योल क्या कहते हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलते हैं। जैसे ही आप किसी एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो आपको उसके साथ उस काम को कंप्लीट करने की अथॉरिटी भी उस एम्प्लॉय को देनी चाहिए। ये हेनरी फ्योल ने अपने सेकेंड प्रिंसिपल में कहा है। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे? अगर आप अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करते हो तो आपको उसके रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे। सीधी सी बात है कि आप जो भी आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो टाइम पर आपका काम कंप्लीट कर दे देगा। और वहीं अगर आप इसको नहीं फॉलो करते हो, अथॉरिटी नहीं देते, तो ना तो हम उस पर्सन को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं उस काम के लिए, अगर काम हो सकता है हमारा ऑब्जेक्टिव भी अचीव ना हो, तो ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो हमें हेनरी फ्योल ने दिया है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को आप सब जानते हो, डिसिप्लिन क्या होता है? ओबीडिएंट रहना, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको दिए गए हैं उन सबको फॉलो करना। तो डिसिप्लिन क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन होना मस्ट है, क्योंकि अगर डिसिप्लिन होगा तभी हर एक काम टाइम पर कंप्लीट होगा, हर कोई उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा ताकि कुछ मिसहैपनिंग ना हो, कुछ गलत चीज कोई ना करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और अगर इन केस कोई पर्सन है जो
अभी भी नहीं मारा है, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं, उसको पनिशमेंट दे सकते हैं, फाइन लगा सकते हैं, ताकि वो एम्प्लॉयज क्या करें, डिसिप्लिन में रहें। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन होना मस्ट है, तभी हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन है, वो फॉलो करते हैं, तो उससे टाइम पर काम कंप्लीट हो जाएगा, हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, सारी की सारी जो एनवायरमेंट है वो हेल्दी रहेगा, और अगर नहीं करेंगे उसको फॉलो तो हमारे अचीव प्रिंसिपल को जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में भी डिफिकल्टी आएगी, कोई भी काम टाइम पर कंप्लीट नहीं होगा, तो ये उसके क्या रहेंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट्स रहेंगे अगर आप फॉलो नहीं करते हो डिसिप्लिन को। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड का क्या मतलब है, यहाँ पर डायरेक्शंस देना, इंस्ट्रक्शंस देना। तो यूनिटी ऑफ कमांड में हेनरी फेयोल क्या कहते हैं कि जब भी आप किसी को कमांड देते हो तो वो क्या होनी चाहिए, यूनिटी के अंदर होनी चाहिए, मतलब एक सुपीरियर एक ही सबॉर्डिनेट को कमांड दी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि एक ही टाइम पर, अगर आप स्कूल से एग्जाम्पल लेते हैं कि एक काम आपको कविता मैम ने बोल दिया और एक काम मैंने बोल दिया, तो आप दोनों के अंदर कंफ्यूज हो जाओगे कि किसका काम पहले करना चाहिए। तो इसीलिए हेनरी फेयोल क्या कहते हैं, एक टाइम पर एक ही सुपीरियर, जैसे कविता मैम ने अगर आपको काम दे दिया तो मैं आपको कोई काम ना दूं, ताकि जो कविता मैम ने आपको काम दिया है आप उसको इजीली कंप्लीट कर सको, आपका सारा फोकस उसी काम के ऊपर रहे। तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा होता है कि एक ही सुपीरियर ने क्या कि दो सुपीरियर ने एक ही सबॉर्डिनेट को काम दे दिया, जैसे कविता मैम और मैंने आपको काम दे दिया, तो जो भी एम्प्लॉई है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका काम पहले करना चाहिए और किसका बाद में करना चाहिए। तो हमेशा कमांड देने के अंदर यूनिटी रहनी चाहिए, एक ही सुपीरियर एक ही सबॉर्डिनेट को काम दे। तो इसको फॉलो करने के हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स क्या रहेंगे, जो भी एम्प्लॉई है काम अपना अच्छे से कर देगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, टाइम पर काम कंप्लीट कर देगा, और अगर वो हम यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करते हैं तो उसके हमको क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स मिलेंगे कि जो भी एम्प्लॉई है उसके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि किसका काम पहले करूं, काम कोई भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स रहते हैं कि अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं करते हैं तो। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमको क्या बताता है कि जो भी सेम तरह की एक्टिविटीज हैं हम उसको क्या करते हैं, एक ग्रुप के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जैसे प्रोडक्शन वाली है उसका एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, जो भी है कि एक प्लान का एक ही हेड होना चाहिए। जैसे हमने डिसाइड किया कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है हमने 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, तो वो हमारा प्लान हो गया। अब हमारे प्लान के लिए जो हेड होना चाहिए वो भी एक ही होना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे सबको पता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव शाम को 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का है। तो अगर एक ही हेड होगा वो उन सबको एक ही डायरेक्शन के अंदर लेकर चलेगा, सारे एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे। तो एक प्लान का हम जब कहते हैं कि जो भी एक प्लान है उसके ऊपर वन हेड हो, अगर कोई भी पर्सन ऐसा है कि कोई अलग डायरेक्शन में काम कर रहा है तो हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएंगे। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव One head and one plan. This ensures unity of action and coordination. जो भी activities हैं एक plan सारों को एक team के अंदर बांट देते हैं और उसके ऊपर एक plan के ऊपर एक ही head रखेंगे, ताकि उनकी जो भी वो काम कर रहे हैं उनके action में coordination बना रहे, वो काम अच्छे से करते रहें। तो ये है हमारे पास यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अगर इसको हम फॉलो करते हैं तो हमारे ऑब्जेक्टिव अच्छे से अचीव हो जाएंगे। जैसे हमने 5000 यूनिट्स का ऑब्जेक्टिव रखा था तो उसको हम इजीली अचीव कर पाएंगे, और जो भी एम्प्लॉयज है उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है, और वही इसका अपोजिट हो जाएगा अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं तो। हमारे पास नेक्स्ट प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसके अंदर हेनरी फेयोल क्या कहते हैं कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो तो उस टाइम पर जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है या ऑर्गेनाइजेशन का फायदा है वो आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए अपने पर्सनल बेनिफिट से। आप एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जांपल लेते हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपको आपका कोई रिलेटिव है जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है,
वो जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है वो 15 रुपीज पर यूनिट पर सप्लाई कर रहा है, और जो अदर सप्लायर्स हैं वो आपको 12 रुपीज पर यूनिट सप्लाई करते हैं। तो इस टाइम पर अगर हम देखें रिलेटिव का फायदा या अपना फायदा करवाना है, तो हम कौन सा लेंगे जो 15 रुपीज का है। लेकिन उसके अंदर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को घाटा पड़ेगा, लॉस होगा। तो इस टाइम पर जब आपने डिसीजन लेना है, तो इस टाइम पर जो ऑर्गेनाइजेशन का फायदा है वो आपके लिए प्रायोरिटी वाइज ऊपर होना चाहिए। कि अगर आपको 12 रुपए में कहीं और से प्रोडक्ट मिल रहा है, रॉ मटेरियल मिल रहा है, तो आप अपने रिलेटिव्स को सप्लायर ना बनाकर आप किसी और सप्लायर से रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे, ताकि उससे जो ऑर्गेनाइजेशन का है उसका कोई घाटा ना हो। हमारे लिए जो ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने बेनिफिट से ज्यादा। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि हम अपनी जॉब के लिए डेडिकेटेड रहते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट्स में जाएगी, हमको कोई लॉस नहीं होगा इसकी वजह से। और अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं, तो पर्सनल इंटरेस्ट को अगर हम देखेंगे, अपने फायदे को देखेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन लॉस में चली जाएगी। आपने ऑर्गेनाइजेशन से सैलरी लेनी है, आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए उस जॉब के रिगार्डिंग। तो आप क्या करोगे, अपना इंटरेस्ट बाद में और पहले ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट को देखोगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रेम्यूनरेशन हमें पता है, जो हम अपने एम्प्लॉयज को सैलरी वेजेस पे करते हैं वो होती है। तो जब भी आप किसी भी एम्प्लॉयी की सैलरी डिसाइड करते हो या उसकी वेजेस डिसाइड करते हो, तो वो इस तरह की होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन को भी उसके लिए कोई घाटा ना पड़े, और उस वजह से उस एम्प्लॉयी को भी कोई घाटा ना बर्दाश्त करना पड़े। क्योंकि अगर वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होगा या सैलरी से सेटिस्फाई नहीं होगा, तो वो अपने जॉब के लिए डेडिकेटेड भी नहीं रहेगा, वो अपना काम भी सही से नहीं करेगा। तो जब भी आप किसी की सैलरी डिसाइड करते हो, तो वो फेयर होनी चाहिए उस एम्प्लॉय के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। इसके बेनिफिट्स क्या मिलेंगे हमें, वो एम्प्लॉय अगर सेटिस्फाइड होगा तो काम भी अच्छे से करेगा, हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। और अगर वो अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो कोशिश करेगा कि उसे और किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिल जाए, ताकि वो ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाए। तो उससे हमारी लेबर टर्नओवर, मतलब जो भी हमारी लेबर है या वर्कर्स हैं, वो छोड़कर जाने वाली जो रेशो होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो जो भी आप सैलरी डिसाइड करते हो, वो फेयर होनी चाहिए एम्प्लॉय के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। यहां पर दो टर्म्स हैं जो ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। सेंट्रलाइजेशन मतलब जहां पर टॉप मैनेजमेंट क्या कर रही है, सारी की सारी पावर्स अपने पास रख रही है। आप कोई भी डिसीजन लेने की पावर किसी को भी नहीं देते हो, सारी पावर अपने पास रखते हो। तो वो होती है सेंट्रलाइजेशन, जब आपने सारी की सारी पावर अपने हैंड्स में रखी। और वहीं पर डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिसीजन लेने की आप जो पावर है अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देते हो। तो सेंट्रलाइजेशन में हमने सारी पावर अपने पास रख ली, जिसके अंदर अगर कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आएगी तो आपके पास आना पड़ेगा, टॉप मैनेजमेंट के पास आना पड़ेगा डिसीजन लेने के लिए। और जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, हम पावर किसके हाथ में दे देते हैं, जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनके हैंड्स में दे देते हैं। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ना तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हमारे लिए बेनिफिशियल है, ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर सारी पावर हम अपने पास रख लेंगे, तो छोटे छोटे इश्यूज होंगे, उसके लिए भी डिसीजन मेकिंग आपको करनी पड़ेगी और आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। और वहीं अगर आप कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हो, मतलब सारी पावर अपने सबऑर्डिनेट्स के हाथ में दे देते हो, तो उस टाइम पर भी क्या होगा, वो हो सकता है उस पावर का मिसयूज करें। तो ना तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन करनी है, ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन करनी है। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो करते हैं इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। जिसका क्या मतलब है, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन मतलब जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो रहेंगे टॉप मैनेजमेंट के हैंड्स में। कोई भी डिसीजन अगर लेना पड़ेगा इम्पोर्टेंट, वो लेगी टॉप मैनेजमेंट। और अगर कोई छोटे मोटे डिसीजन है, डेली रूटीन से रिलेटेड डिसीजन है, वो हम अपने सबऑर्डिनेट्स को भी उसकी पावर दे सकते हैं। तो इससे ना तो मैनेजमेंट का टाइम वेस्ट होगा, और साथ में जो एम्प्लॉयज हैं वो भी मोटिवेटेड रहते हैं अगर उनके हाथ में थोड़ी बहुत पावर होती है। तो हम फॉलो करेंगे इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन को। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास है स्केलर चेन।
स्केलर चेन आपको क्या बताता है? आपके सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप्स बताता है, आपको लाइन ऑफ अथॉरिटी क्लियर कर देता है। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं ए बी सी डी। अब यहां पर सबसे ऊपर जो है हाईएस्ट पावर जिसके पास है वो है ए, उसका सबॉर्डिनेट बी, बी का सबॉर्डिनेट सी, सी का सबॉर्डिनेट डी। तो ये क्या है, लाइंस ऑफ अथॉरिटी डिसाइड हो गई। आपको अगर कोई भी कम्युनिकेशन करनी है तो आपको इसी लाइन में चलना पड़ेगा। डी अगर ए से बात करना चाहता है तो डी सी से बात करेगा, सी बी से करेगा और बी ए से करेगा। तो इस तरह से ही ये लाइन ऑफ अथॉरिटी चलती है। पर इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब भी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है जहां पर डिसीजन लेना बहुत जल्दी लेना है और बहुत जरूरी है, जिसकी हो सकता है जिसकी वजह से आपको लॉसेस हो जाएं, तो उस केस में इस प्रिंसिपल की एक एक्सेप्शन है, वो है गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक क्या है? अगर कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है जहां पर आपको डिसीजन लेना बहुत जरूरी है उसी टाइम पर, तो आप अपना जो सेम लेवल पर आपका जो सबऑर्डिनेट है, जैसे इसके अंदर हम देखें डी और जी सेम लेवल पर काम कर रहे हैं, तो वो अपने सुपीरियर्स को इन्फॉर्म करके, जैसे डी सी को बताएगा और जी एफ को बताएगा, वो उनको इन्फॉर्म करके आपस में जो भी डाटा एक्सचेंज करना है या इन्फॉर्मेशन लेनी है या डिसीजन मेकिंग करनी है वो इजीली कर सकते हैं अपने सुपीरियर्स को बताकर। अदरवाइज उनको जो भी है लाइंस ऑफ अथॉरिटी के हिसाब से चलना होता है, वो किसी और के थ्रू बात नहीं कर सकते, उनको लाइंस ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो हेनरी फायोल ने दिया है वो है ऑर्डर। ऑर्डर हमको क्या बताता है कि आपकी हर एक चीज क्या होनी चाहिए, ऑर्डरली वे में होनी चाहिए। मतलब राइट थिंग राइट प्लेस पर होनी चाहिए, राइट एम्प्लॉई राइट पोस्ट पर होना चाहिए, जो काम उसको आता है वो उसी पोस्ट पर काम कर रहा हो, ऐसा ना हो कि उसकी क्वालिफिकेशन कुछ हो रहा है और हम उसको क्या कर रहे हैं किसी और जगह पर लगा रखा है, तो उसकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी अगर उसको वो काम आता ही नहीं है। तो ऑर्डर क्या कहता है, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन एंड एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी इन इट्स डेजिग्नेटेड पीपल। हर एक चीज रखने की एक जगह है। रॉ मटेरियल के लिए हमें पता है स्टोर्स बने हुए हैं, तो रॉ मटेरियल वहीं पर हो। हर एक चीज की और हर एक पर्सन की एक जगह होती है, और अगर वो उस जगह पर और वो उसी जगह पर होते हैं तो आपको वो चीज ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता और वो अपना काम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, राइट पर्सन राइट प्लेस पर अपॉइंट करने चाहिए, और जो थिंग है वो राइट प्लेस पर होनी चाहिए ताकि जब भी हमको उसकी रिक्वायरमेंट हो हम उसको इजीली वहां से ले सकें और टाइम वेस्ट ना हो ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट प्रिंसिपल वी हैव इज इक्विटी। इक्विटी मतलब आप जो ट्रीट कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज को वो क्या कर रहे हो, इक्वली ट्रीट कर रहे हो। आप किसी भी एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन उसके कास्ट के बेसिस पर या रिलीजन के बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। हर एक एम्प्लॉयज के अंदर इक्विटी होनी चाहिए, आप उसको इक्वली ट्रीट करो तभी वो अपना काम अच्छे से करेंगे, अदरवाइज वो डिमोटिवेटेड हो जाएंगे और वो अपनी जॉब से भी दूर होते चले जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए उतना डेडिकेटेड नहीं रहेंगे जितना उनको होना चाहिए। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज के अंदर इक्विटी होनी चाहिए, कोई भी एम्प्लॉय किसी भी वजह से डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। पर्सोनल हमें पता है कि हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, तो जो भी एम्प्लॉयज को आप एम्प्लॉय करते हो या अपॉइंट करते हो उनके बीच में क्या रहे, स्टेबिलिटी रहे। क्योंकि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एम्प्लॉयज हैं जल्दी जल्दी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाएंगे तो उससे लोगों के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एनवायरमेंट अच्छा नहीं है या फिर मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज यहाँ पर टिक ही नहीं पाते हैं और जल्दी से ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चले जाते हैं। तो आप अपने एम्प्लॉयज को खुश रखें, सेटिस्फाइड रखें ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बने रहें, क्योंकि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन अगर वो स्टेबल नहीं रहते हैं तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन के ऊपर बात आ जाएगी। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल होनी चाहिए। आप ये प्रिंसिपल अगर फॉलो करते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन है वो भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल हेनरी फायोल ने जो दिया है वो है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव होता है पहल करना, पहल करना। इनिशिएटिव के अंदर हेनरी फायोल क्या कहते हैं कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन के,
आपको अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो वो पहल करें, अपने सजेशंस आपके आगे रखें, उनको आप इतना एनकरेज करो कि वो अपने आप आकर अपने सजेशंस को, अपने जो भी उनके व्यूज हैं वो आपके आगे रख सकें, ताकि आपको भी डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प मिल सके। जब वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होंगे तभी वो आगे आएंगे अपने व्यूज देने के लिए, अपने सजेशंस देने के लिए। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी बात होती है कि वर्कर्स को आप जब उनकी क्या ले रहे हो, सपोर्टिव नेचर ले रहे हो या फिर उनको पार्टिसिपेट करवा रहे हो डिसीजन मेकिंग के अंदर। लास्ट प्रिंसिपल है स्पिरिट डी कॉप्स। स्पिरिट डी कॉप्स के अंदर हेनरी फ्योल क्या कहते हैं, जब भी आप अपने एम्प्लॉयज के साथ अपने प्लान को डिस्कस करते हो तो उस टाइम पर आप वर्ड आई ना यूज करके आप वर्ड यूज करोगे वी, क्योंकि कोई भी, जैसे भी हमें पता है कि कोई भी प्लान है वो एक पर्सन कंप्लीट नहीं कर सकता, वो पूरी की पूरी एक टीम का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो जब कोई भी मैनेजर है अपने सबऑर्डिनेट्स को बता रहा है अपने प्लान के बारे में, हमने फ्यूचर में क्या क्या करना है, अगर वो कहता है कि मैं ये करूंगा मैं ये करूंगा, तो एम्प्लॉयज को लगेगा कि हम तो इसका कोई पार्ट ही नहीं है, हम तो कुछ करते ही नहीं है। तो हमें हमेशा क्या करना है, वी वर्ड का यूज करना है कि हम सब ने मिलके ये सब करना है, हम सब अगर कोऑर्डिनेशन में रहेंगे मिलकर काम करेंगे तभी हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे। तो इससे एम्प्लॉयज भी मोटिवेटेड होते हैं कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमको प्ले करना है। इससे वो मोटिवेटेड रहेंगे, सेल्फ सेटिस्फाइड रहेंगे कि हमने काम किया है। तो स्पिरिट डी कॉप्स के अंदर सिंपल वो टर्म्स में वो क्या कह रहे हैं, जब भी आप अपना प्लान डिस्कस करो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ तो आई वर्ड को रिप्लेस कर दो वी वर्ड से, तभी आपके एम्प्लॉयज आपको अच्छे से रिजल्ट्स देंगे, अच्छे से आपका काम करेंगे। तो ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो 14 प्रिंसिपल्स हमने पढ़े। इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं, उसी के अपोजिट उसके नेगेटिव हो जाते हैं कि अगर आप किसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हो तो जो उसके पॉजिटिव हैं इफेक्ट हैं, अगर नहीं फॉलो करोगे तो वही उसके नेगेटिव इफेक्ट हो जाते हैं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए हैं, अब आपने अपने अकॉर्डिंग सारे प्रिंसिपल्स को अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है और साथ में उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेंगे और अगर फॉलो नहीं करते तो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहेंगे, ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स में राइट डाउन करना है और मुझे वो वर्क सेंड करना है। थैंक यू।